दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा नाम है काशी डाइट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल काशी स्टूडियो तो जिन भाई ने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आज के वीडियो में आप लोग बताने जा रहा हूँ की कपल का एडिटिंग कैसे करते हैं और किस किस ऐप से करते हैं डिटेल अगली वीडियो में बताऊंगा जाऊंगा तो इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता दें और कल मैंने वीडियो अपलोड की थी टिक पे तो काफी सारे दोस्तों ने पूछा कि ये वीडियो कैसे बनाई है ये वीडियो कैसे बनाई है तो ये सब लिए है तो सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक वॉच करना तो चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन पे एक छोटे से इंट्रो के बाद तो वीडियो स्टार्ट पे आप लोगों ने वाच कर लिया कुछ उस तरह के आज हम वीडियो एडिटिंग करने जा रहे हैं तो इस वीडियो एडिटिंग के लिए आप लोगों को दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सल लैब और दूसरे का नाम है दोनों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा आप लोगों ने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है सबसे पहले आप लोगों ने पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना है तो यार मैं तीन चार दफ़ा ये वीडियो बना रहा हूँ एक दफ़ा वीडियो में मसला आ गया था दूसरी दफ़ा वॉइस ही नहीं रिकॉर्ड हुई अब तीसरी दफ़ा वीडियो बना रहा हूँ तो थ्री डॉट पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है पिक्सल ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा थ्री डॉट पे आना है यूज़ फ्रॉम गैली में चले जाना है यहाँ पे आप लोगों को एक वाइट बैकग्राउंड मिल जाएगा वाइट बैकग्राउंड आप लोगों को लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आपने हुई ये वाला साइज रख लेना है नोशरिया नोशरिया सोलह वाला साइज आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है इस पिक्चर का लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों ने इसको भी यूज़ कर लेना है तो अब आपने आ जाना है फ्राम गैली पे

ये प्लस करके पे क्लिक कर लेना टैक्स पे आ जाना टैक्स पे आने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करना है डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने टैक्स शो हो जाएगा टैक्स शो होने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी आप, आप शायरी वगैरह लिख सकते हैं अगर आपके पास कोई शायरी जेन में नहीं है ना या आपको आ रही है तो आप लोगों ने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सअप सर्च व्हाट्सअप का ग्रुप सर्च कर लेना है फेसबुक पे फेसबुक पे जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को व्हाट्सअप का भी लिंक मिल जाएगा इसके ममनू हमारा ऑफिशियल ग्रुप है आप लोगों ने सब ने ज्वाइन कर लेना है तो मैं ए पे आ जाता हूँ ए पे आने के बाद मैं फाउंड पे आ जाता हूँ तो मैंने पिछली वीडियो में दो तीन पिक्सल लैप की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सिखाया है कि पिक्सलैप में उर्दू फाउंड कैसे इंस्टॉल करते हैं तो आप लोगों ने भी इस तरह फाउंड इंस्टॉल कर लेना है पिछली वीडियो में मैंने फाउंड भी दिए हैं तो कुछ इस तरह से आप लोगों ने बना लेनी है फिर आप लोगों ने प्लस का दोबारा क्लिक करना दोबारा क्लिक करने के बाद आप लोगों को आकर डबल क्लिक करना डबल क्लिक करने के बाद आप लोगों ने ये फिर यहाँ पे कोई भी शायरी वगैरह ऐड कर देनी है उसका दूसरा हिस्सा, दूसरा हिस्सा आप लोगों ने ऐड कर देना हो तेरी। तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ अब दोबारा हिलेगी नहीं तो अब मैं इस पर आ जाता हूँ इसको नीचे ले आना है नीचे लेके आने, आने के बाद आप लोगों ने फिर फाउंड पे आ जाना है फाउंड पे ये यहाँ फाउंड पे आ जाना हाँ अफाउं में आ जाना हाई अफाउं में आने के बाद यहाँ पे आप लोग एक अच्छा सा फाउंट सेलेक्ट कर लेना है अच्छा सा फाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है एडजस्ट करने के बाद आप लोगों ने फिर टैक्स पे आ जाना है टैक्स पे आने के बाद यहाँ पे आपने जिसके लिए ये वीडियो बनानी है उसका नाम लिख दे मैं यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ जल्दी जल्दी से तो आगे आप इमोजी जो भी लगाना चाहते हैं आप लोग लगा सकते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है वो आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह की इमोजी लगाना चाहते हैं तो मैं इसको यहाँ से फुल स्क्रीन कर देता हूँ सॉरी फुल स्क्रीन नहीं इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ कुछ इस तरह से इस तरह करने के बाद मैं फिर फाउंट पे आ जाता हूँ फाउंड पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एक फाउंड मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये फाउंट सेलेक्ट करता हूँ इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से कलर पे आप लोगों ने आ जाना है यहाँ से आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं तो ये मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं स्टोक पे आ जाता हूँ स्टोक लगा देता हूँ यहाँ पे स्टोक के बाद यहाँ पे शेडो भी मैं इसको लगा देता हूँ कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप लोग इसका नाम आप और लंबा कर लें तो कुछ इस तरह से हमारी पिक्चर जो है ना तैयार हो चुकी है तो आपने यहाँ से इसको सेव कर लेना है कुछ इस तरह से अब आप लोगों ने कैनाबास्टो पर चले जाना है तो हमने काइनबॉक्स को ओपन कर लिया जस्ट आपने नौ बाय सोलह की स्क्रीन सेलेक्ट करनी है नौ बाय सोलह की स्क्रीन सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने वही पिक्चर्स ऐड कर लेने जो आपने अभी सेव की है तो मैंने ये अभी पिक्चर बनाई है आप लोगों के सामने ही बनाई है तो इसका साइज़ आप लोगों ने 12 सेकंड तक कर लेना है सॉरी ग्यारह तक ही बहुत है तो अब आप लोगों ने लेयर पे आ जाना है मीडिया पे आ जाना है एक वीडियो का लिंक आप लोगों के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा आप लोगों ने उसको भी डाउनलोड कर लेना है तो कहाँ गई हमारी वीडियो तो ये हमारी वीडियो है इसको यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देना है कुछ इस तरह से इसके बाद आप लोगों ने क्रोमा की पे आ जाना है क्रोमा की को कुछ इस तरह से इनेबल कर देना क्रोमा की को इनेबल करने के बाद हमारी वीडियो कुछ इस तरह से बन जाएगी एडजस्टमेंट में आ जाना है एडजस्टमेंट में आने के बाद आप लोगों ने कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देना है कुछ एक एक परसेंट ही बहुत है एक परसेंट करने के बाद आप लोगों ने इसको एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना दस सेकंड का ही बहुत है पिक्चर आप लोगों ने इसको इसको आप लोगों ने सबसे सब पहले नंबर पे म्यूजिक ऑफ कर देना है म्यूजिक ऑफ करने के बाद आप लोगों लेयर पे ले जाना है मीडिया पे जाना है मीडिया पे जाने के बाद आप लोगों की कोर वीडियो का लिंक मैंने काफ़ी दफ़ा दे दिया है तो आप लोगों ने उसका यूज़ कर लेना है इसको यूज़ करने का तरीका कार ये होगा इसको थोड़ा लास्ट पर ले जाना है लास्ट पर लेके जाने के बाद कुछ इस तरह से इसको भी यहाँ से फुल स्क्रीन कर देना फुल स्क्रीन करने के बाद आप लोगों ने इसको सभी नीचे आना ब्लैंड पे ब्लैंड पैनने के बाद इसको स्क्रीन कर देना स्क्रीन करने के बाद आप लोगों ने एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना कुछ इस तरह से उसके बाद आप लोगों ने लेयर पे आ जाना मीडिया पे आ जाना मीडिया पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ से एक सॉन्ग सेलेक्ट कर लेना जल्दी से मैं कोई सॉन्ग सेलेक्ट कर लेता हूँ सॉरी सॉन्ग नहीं है पे म्यूजिक है मैं यहाँ से ये म्यूजिक ऐड कर लेता हूँ आप म्यूजिक कोई भी ऐड कर सकते हैं तो मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ म्यूज़िक मैं आपका कर देता हूँ कॉपी का, का मसला है इस वजह से आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारी वीडियो वीडियो बन चुकी है तो एक्स्ट्रा पार्ट को आप लोग इन कर दे कट कर देना है तो उम्मीद करता हूँ सबको वीडियो अच्छी लगी होगी मैं फिर प्ले करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कुछ इस तरह की हमारी वीडियो एडिटिंग आज हमने की है तो सॉन्ग आप कोई भी ऐड कर सकते हैं अगर वीडियो को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग इंस्टा पर रबता करके पूछ सकते हैं तो उम्मीद करते तो ये वीडियो मैं उसको बना के दूंगा जिसने यूट्यूब पे आके मुझे नेम नेम कमेंट करना है उसको मैं जस्ट ये वीडियो बना कर दूँगा बाकी व्हाट्सअप पर जिसने भी मुझे बोल रहा उन सबको मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि मैं वीडियो नहीं बना कर दूँगा जो मुझे यूट्यूब पर कमेंट करेगा ना उसको मैं उसी टाइम वीडियो बना के दूँगा तो उम्मीद करता हूँ सबको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तो मिलते हैं चला नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़